मलेरकोटला लुधियाना चौक में हुए दर्दनाक हादसे में दो नौजवान बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों मोटरसाइकिल सवार नौजवान लुधियाना बाईपास से धूरी के लिए जा रहे थे और एक प्राइवेट बस धूरी से लुधियाना के लिए जा रही थी और इन दोनों की मलेरकोटला बाईपास पर आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें धूरी सब डिवीजन के गाँव जैककला के दो नौजवान बुरी तरह से लहू लुहान होकर जमीन पर गिर गए, जिन्हें डॉक्टरी सहायता के लिए मलेरकोटला के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन दोनों नौजवानों का इलाज कर रहे डॉक्टर मोहम्मद नदीम ने बताया कि दोनों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और इन्हें पटियाला के लिए रेफर कर दिया गया है। आजाद टीवी न्यूज के लिए मलेरकोटला से मोहम्मद काजम के साथ शाहिद जुबैरी की रिपोर्ट। देखो जी गाइडलाइन मुताबिक असी उन्होंने रैफर करते हैं। दूसरी गल ये कि दोवें बच्चों के जोड़े मुंडे से उन्होंने हैड इंजरी सी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उस ब्लीडिंग रोकने लिए साड़ी पूरी मेडिकल टीम ने उस ब्लीडिंग असी रोकया। तो जो भी फस्ट एड होंगी जिदा कि फ्लूड देना, उसकी बीपी देखना, तो बाकी एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी, उस ही सारा स्टार्ट करके इमीजिएटली उन्होंने रैफर कर दिता। उन्होंने आर एच पटियाला राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला रैफर किया गया। फस्ट एड इनिशियल ट्रीटमेंट जो इतने बनता वो देने तो बाद उन्हें ड्रैसिंग स्टिचिंग करके उस तो बाद भेजा गया। तो बाकी हैड इंजरी या सीटी स्कैन तो बाद ही पता चलेगा, लेकिन जड़ा मेरे को जी प्रेजेंटेशन अनकॉन्शियस या सैमी कॉन्शियस कह सकते हैं।